नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम देखेंगे पुरानी गाड़ी के टैबिट कैसे एडजस्ट किए जाते थे काफ़ी टाइम से, और जो कोई नए जो रॉयल एनफील्ड में काम सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है कि पुराने लोगों को जो पुरानी गाड़ी आ रही थी उसके टैबिट एडजस्ट करना नहीं आता था, तो ये वीडियो फिलहाल उसके ऊपर होने वाला है कि पुराने मॉडल की गाड़ी के टैबिट कैसे एडजस्ट किए जाते हैं और उसके लिए कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पिस्टन कैसे टॉप करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि पिस्टन टॉप कैसे करते हैं। अगर आप किक मार के पिस्टन को टॉप करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे किक मारनी पड़ती है और किक एक जगह आके रुक जाएगी, फिर हर किसी की मारनी और पिस्टन टॉप हो गया। अब ये तो सबसे सिंपल तरीका हो गया, फिर दूसरा तरीका जो आप समझ सकें उसके लिए सबसे पहले मैं टैबिट कवर खोलता हूँ जो यहाँ पर रहता है। इस टैबिट कवर को खोलता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 13 नंबर की चाबी और 1 11 नंबर की चाबी होनी चाहिए। तो 13 नंबर की चाबी से पहले इसको खोल देते हैं। एंटी क्लॉक, इतना तो सिंपल हर कोई जानते होगा कि क्लॉक वाइज टाइट होते हैं, एंटी क्लॉक खुलते हैं। फिर भी पुराने मॉडल की जो गाड़ी है उसके अंदर 2 जगह पे उल्टी चूड़ी के नट होते हैं, एक तो हमारे टाइमिंग गियर के अंदर होता है और एक होता है गियर बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे हमारे 2 टैबिट हैं, इनको मैं घुमाऊंगा। देखिए दोनों फ्री रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको पिस्टन टॉप करना है तो सिंपल आपको किक मारनी है, ठीक है। एक जगह पर आके किक हमारी टाइट हो जाएगी, जहाँ पर किक टाइट होती है काफ़ी हल्के हल्के, देखिए यहाँ पर अभी दोनों टैबिट फ्री यहाँ लगी पर पिस्टन टॉप नहीं है, पर हल्के से किक मारेंगे तो आपको महसूस होएगा कि पिस्टन टॉप पहुँच गया और आगे को जाने लगता है। बस यहाँ पे पिस्टन हमारा टॉप हो गया है और दोनों रोड ढीली है, टैबिट रोड। अब मैं दिखाता हूँ पॉइंट कवर खोल के कि क्या पहचान है पिस्टन टॉप हुआ है या नहीं पे। अब हम पॉइंट कवर खोलते हैं। पॉइंट कवर खोलने के लिए 2 स्क्रू दिए होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये जो पॉइंट कवर होता है ये सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर ही लगा रहता है, क्योंकि ये पॉइंट से स्टार्ट होती है और जो हमारे बाकी मॉडल होते हैं बाकी नहीं होते हैं। अब ये दोनों स्क्रू मैंने खोल दिए, पॉइंट कवर को आराम से बाहर निकालना है और इसके अंदर स्क्रू रख देना है संभाल के। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट मार के आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कट है, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा लाइट दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई कट है, ये वाला ये कट है और इसके बिल्कुल टॉप में पहुँच रखा है, जो हमारा पॉइंट है पॉइंट का नीचे का हिस्सा बिल्कुल टॉप में पहुँच रखा है, इसका मतलब पिस्टन टॉप है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर अभी स्पार्क प्लग खोल के दिखाता हूँ एक बार और देखते हैं कि स्पार्क प्लग खोलने के बाद पिस्टन टॉप है या नहीं। ये आखिरी पहचान दिखा देता हूँ मैं, ये 3 जगह तो आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आप सिर्फ किक मार के पता लगा देंगे, फिर भी थोड़ा अगर नए हैं सीखने वाले तो आप पॉइंट खोल के देख सकते हैं, और बिल्कुल ही नए हैं तो आपको स्पार्क प्लग खोल के भी चेक करना चाहिए। अब यहाँ पर स्पार्क प्लग खोल दिया है, अब चेक क्या करना है, एक पेचकस लेना है, इसको इसके अंदर लगाना है, ये पूरा अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर की साइड में रुक गया, जहाँ पर यहाँ पिस्टन यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक पिस्टन रहेगा और ये हमारा वहीं तक जा रहा है। आप थोड़ा सा आगे पीछे करके किक मार के चेक कर सकते हैं, जहाँ पर पिस्टन बिल्कुल टॉप में आता है उसी जगह पर पिस्टन टॉप रहता है और वहीं पर हमें टैबिट एडजस्ट करने रहते हैं। अब चलते हैं टैबिट कैसे एडजस्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं पीछे का टैबिट, इसको इस तरह घुमा के चेक कर सकते हैं या चाबी लगा के ऊपर नीचे हिला के चेक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ 11 नंबर की चाबी लगती है, इसके अंदर चाबी लगाएं और ऐसे हिला के देखें तो आपको देखिए महसूस होगा ये हिल रही है, ठीक है। इसका चाबी इसमें लगाते हैं और ये चेक नट होता है तो ऊपर वाला पहले चेक नट ढीला करना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे ऊपर वाला ढीला हो जाएगा उसके नीचे वाले को एंटी क्लॉक घुमाना है। यहाँ पे एक चाबी ऊपर रखनी है 13 नंबर की और दूसरी 13 नंबर की चाबी से नीचे वाले बोल्ट को एंटी क्लॉक करना है, क्लॉक वाइज नहीं एंटी क्लॉक, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा लगा के सिर्फ चेक करना है
कि प्ले है या नहीं है, और इतना भी नहीं कि फुल टाइट ना कर दें। अगर आप फुल टाइट कर देते हैं तो ये घूमना बंद हो जाएगा, अगर ये घूमना बंद हो गया तो गाड़ी का कंप्रेसर डाउन हो जाएगा और गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगी, और बस ऊपर नीचे हिला के देखें, चाल नहीं होनी चाहिए, और फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से जैसे ये घूम रहे हैं ना, इस तरह से घूमना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कर देंगे इसको हम चेकनेट। चेकनेट करने के लिए ऊपर वाले को करना है, नीचे वाले को कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ ऊपर वाले को। और जब चेकनेट कर देंगे उसके बाद एक बार और दोबारा से चेक करना है कि वो फ्री है या नहीं है, और इसी तरीके से आगे वाला चेक करना है। यहाँ पर देखिए आगे वाला है और ये भी थोड़ा सा ढीला है, आप साउंड सुनिए, ठीक है, ये एक हल्का सा साउंड है। इसके अंदर भी हम चाबी यहाँ पर लगा लेते हैं, और दूसरे से ऊपर वाले को चेकनेट से ढीला करना है। देखिए चेकनेट से ढीला करने के लिए एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, और इस तरीके से रख के नीचे वाले को लेफ्ट साइड में, मतलब पीछे की साइड में को ऐसे राउंड लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लें कि ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और इसके बाद चाबी बाहर निकाल के इसको घुमा के देखना है, और ये बिल्कुल फ्री है, पर हल्का सा मुझे लगता है टाइट हो गया है, तो मैं इसको हल्का सा ढीला कर देता हूँ, हल्का सा ढीला, और इसके बाद चेक नेट, और ये हमारे फ्री हो गए। और अब हम देखते हैं कि इसकी साउंड कैसी है। आप ऐसी देखिए, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और इसकी साउंड देखेंगे। बोलो भैया नमस्कार। अब आप यहाँ पे साउंड सुन सकते हैं कि कोई भी साउंड नहीं है, हल्का फुल्का साउंड रहना चाहिए। बिल्कुल भी अगर टाइट कर देंगे तो ये आवाज़ तो जीरो हो जाएगी, पर गाड़ी गर्म होना चालू हो जाएगी। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, आपको पता चल गया कि टैबिट कैसे एडजस्ट किया जाता है। फिर भी अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, रिमाइंड कर करके देखिए, आप सीख जाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।